एवरीवन, दिस इज़ मी साध्या है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिसंबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ टॉरस के लिए। सो देखते हैं टॉरस के लिए क्या आने वाला है पहले 2 हफ्तों में। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मैंशनड हैं। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। सो इस रीडिंग में बेसिकली हमने टैरो लिया है और साथ में ओरेकल कार्ड्स लिए हैं, और इसमें एक हमने कलर कार्ड भी देखा है, एक नहीं दो कलर कार्ड्स भी ऐड किए हैं, जस्ट टू सी के कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा इस टाइम फ्रेम के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं टैरो से पहले के टैरो के अकॉर्डिंगली आपके लिए पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे, उसके बाद ओरेकल कार्ड्स हमें ऐड करेंगे। लेट्स सी। 10 of Cups, 7 of Swords, the Death, 5 of Swords। आपकी लाइफ में एक काफ़ी टाइम से मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक सिचुएशन थी जो कि ऑन एंड ऑफ चल रही थी। वो लव लाइफ में भी हो सकती है, काम के मामलात में भी हो सकती है, घर की सिचुएशन में भी हो सकती है, लेकिन फाइनली अब वो जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थी वो ख़त्म होकर कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा जो है वो शुरू होने वाला है। बैक एंड फोर्थ एक जो एनर्जी थी टुवर्ड्स अ रिलेशनशिप कनेक्शन, या आपका अपना एक नेचर था कि कभी आप एक इस तरह की एनर्जी में थे जहाँ पे कभी कभी आपका मूड अच्छा रहता था, कभी कभी आप अपने पर्सन से अच्छे से बात करते थे, या आपके पर्सन की तरफ से भी ये एनर्जी हो सकती है कि कुछ ऐसा जो अनस्टेबल था, कुछ ऐसा जो कि बैक एंड फोर्थ ऑन एंड ऑफ की तरह चलता रहा आप दोनों के दरमियान में, वो अब फाइनली एक पॉजिटिव वे में एंड होगा और एक नया चैप्टर जो है वो शुरू होगा उस इंसान के साथ, उस सिचुएशन में आपके लिए। मुझे लगता है कि जो लोग काफ़ी टाइम से सिंगल हैं और थे, आपकी लाइफ का ये फेज़ जो है वो डेफिनेटली एंड हो रहा है, क्योंकि मुझे आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो इस टाइम के अंदर। और ये खुशी बेसिकली स्टेम आउट होगी जब आपकी लाइफ में एक सेटल एनर्जी आना शुरू होगी, जो कि मुझे लगता है कि स्टार्ट आप काफ़ी पॉजिटिवली करोगे महीने का, और उसके बाद आपको रियलाइजेशंस जो है ना वो आने लग जाएंगी टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक समवन। हो सकता है कि उनको आपके बारे में रियलाइजेशन आना शुरू हो जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा चेंज आएगा आपके अंदर, आपके पर्सन के अंदर, जिसके बाद ये पॉजिटिविटी जो है वो रहना शुरू कर देगी कनेक्शन के अंदर, और उसके बाद वो जो एक नेगेटिव वाइब, नेगेटिव एनर्जी जो ऑन एंड ऑफ की थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके वॉश आउट हो जाएगी। लेकिन स्टार्ट ही पॉजिटिव, स्टार्ट ही बहुत अच्छा मुझे लग रहा है महीने का कि आप लोगों के लिए होगा। स्पेशली कुछ ऐसा होगा जो कि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा, बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएगा आपकी लाइफ में। और जो लोग सिंगल थे मुझे लगता है कि उनकी लाइफ का, और अगर आप सिंगल नहीं भी, अगर रिकंसाइल भी कर रहे हो, तो काफ़ी टाइम से आप इस इंसान से भी दूर थे, मतलब काफ़ी हद तक यू आर सिंगल, और सडनली एक चेंज आएगा जिसके बाद पॉजिटिव 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 और करते करते आगे अच्छा ही होगा, और जो नेगेटिविटी थी वो वॉश आउट आपकी लाइफ से डेफिनेटली हो रही है। और ये क्लैरिफाई चेक करते हैं सारे कार्ड्स के लिए, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं टैरो से। अगर आपने या आपके पर्सन ने अपने ऊपर खुद से कुछ ब्लॉक्स लगाए हुए थे कि मुझे अभी फ़िलहाल लव को टाइम नहीं देना, मुझे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली की, बहन भाइयों की, मुझे उसको उससे फ़ारिग होना है पहले, फिर उसके बाद मैं लव लाइफ को परसू करूँगा, या कोई जॉब थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी काम से रिलेटेड थी, तो आपका काफ़ी हद तक रहा होगा या आपके पर्सन का रहा होगा कि पहले ये सब ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं अपनी लव लाइफ के बारे में सोचूंगा। और मुझे लगता है कि वो चीज़ हो गई, अब आप बेसिकली फ्री हो अपनी लाइफ को उस तरह से गुजारने के लिए जैसा आप चाहते हो, और अब आप अपनी लाइफ में वो ठहराव देखना चाहते हो जो कि आप डिज़ायर करते हो, जो कि मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो ऐड होगी वो खुशी, वो ठहराव जो आप विश कर रहे हो, वो आपकी लव लाइफ के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करना, उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका जो स्पाउस होगा, ये जो भी इंसान आपकी लव लाइफ में एंटर होगा, वो आपके लिए बहुत लकी होगा और आप उनके लिए बहुत लकी साबित होगे, जिसके बाद आप दोनों का एक तो कनेक्शन जो है वो काफ़ी मजबूत रहेगा, दूसरा आप दोनों की ज़िंदगी में चेंज बहुत मेजर रहेगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा, जैसे सपोज़ अगर आपकी किसी से शादी भी प्लान होती है, तो वो इंसान
उस जगह का नहीं होगा जहाँ पे आप रहते हो, कहीं ना कहीं डिस्टेंस जो है वो भी इन्वॉल्व होगा, रिलीजियस बैकग्राउंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ मेजर चेंज आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। आपके पर्सन का आपकी लाइफ में आना और उनका रुकना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा, और जो लास्ट भी करेंगे और अच्छे भी होंगे। सो बेसिकली इट्स गोना बी लाइक अ फुल चेंज आपकी लाइफ के लिए, बहुत बड़ा चेंज होगा ये जो भी आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है इंसान, उसकी वजह से बहुत पॉजिटिव वाइब आपकी लाइफ में आएगी और नेगेटिविटी जो है वो वॉश आउट हो जाएगी। कुछ लोगों की अगर फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो आपका पर्सन आपके लिए बहुत लकी होगा। अगर आप अपने फाइनेंसिस को इम्प्रूव करने के चक्कर में अपनी लव लाइफ को होल्ड पे रख के बैठे हुए हो, तो आपको चाहिए कि लव लाइफ को परसू करो। काम के मामला, फाइनेंसिस के मामला, आपके पर्सन की आपकी लाइफ में आने से या आप दोनों का नाम जुड़ने से आप दोनों की लाइफ जो है वो पॉजिटिवली आगे बढ़ेगी। सो उस चीज़ को पैसों के मामला की वजह से आपने नहीं रोकना, क्योंकि जैसे ही वो इंसान आएगा तो लक ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए। कंक्लूशंस आर विद इन रीच। मुझे लगता है कि आप फाइनली, यू नो, इट्स मोर लाइक कि आप ये चीज़ पहले भी कर सकते थे, ये डिसीजंस जो हैं अपनी लव लाइफ के वो आप पहले भी ले सकते थे, लेकिन आपने खुद से ब्लॉक लगाए हुए थे। लेकिन फाइनली अब आपको रियलाइज़ होगा आपके शायद इस इंसान से बातचीत होना ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जिसके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और जैसे ये इंसान आपकी लाइफ में आया, तो कहीं ना कहीं आपको ऑटोमेटिकली एक वो वाइब आ रही कि हाँ, चीज़ें अब बेहतर हो रही हैं। जैसे ही आपको ये रियलाइजेशन होती चली जाएगी एज यू मूव फॉरवर्ड, आपका वो बिलीफ जो था नेगेटिव वाला कि अभी लव लाइफ को परसू नहीं करना, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अभी ये है वो है, वो आहिस्ता आहिस्ता सारे ब्लॉक, सारी नेगेटिविटी वॉश आउट होने लग जाएगी। और तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये डिसीजन आपका, ये लव लाइफ वाली चीज़ जो है वो आपका परसू करना आपके लिए लकी साबित हुआ और आगे भी लकी ही रहेगा। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। मुझे लगता है कि आप क्योंकि आप दोनों का बहुत ऑन एंड ऑफ रहा, ये तो आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपकी पर्सन की भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं एक इंसान को डेफिनेटली फियर रहेगा कि पहले भी इसने मुझे यही कहा था कि हम, यू नो, शादी कर लेते हैं, पहले भी इसने यही कहा था और हमने रिकनसाइल किया, लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। तो आपको कहीं ना कहीं वो फियर रहेगा कि कुछ भी, यू नो, पत्थर पर लिखी लकीर जैसा नहीं हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो फियर रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो आपको रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, ये आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है। आप कहीं ना कहीं काफ़ी इमोशनल रहोगे इस टाइम के अंदर, आप या आपके पर्सन की एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल, एक वो सेंसिटिविटी रहेगी इस पूरे इशू को लेकर, शादी कमिटमेंट वगैरह को लेकर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। आपको उसके उसको लेकर नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी या तो कुछ प्लानिटरी मूवमेंट्स की वजह से भी पॉजिटिविटी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि फाइनली या तो डिवाइन टाइम आ चुका है कि अब आप अपनी लव लाइफ को परसू करो, तो वो चीज़ एक वर्कआउट होती दिख रही है। फियर्स कहीं ना कहीं होंगे क्योंकि पास्ट जो है वो ऐसा रहा है जो कि स्टेबल नहीं था, तो आपको कहीं ना कहीं डर होगा कि पता नहीं ये चीज़ें उस तरह से स्मूथली जाएंगी या नहीं जाएंगी। लेकिन अगर आप अपने डर को हावी होने दोगे तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लोगे, तो कोशिश करो कि नेगेटिव नहीं होने दो खुद को, और जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं लाइफ में उनके ऊपर फोकस करते हुए आगे चलो, लाइक आंखें बंद करके पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हुए आगे चलो, तो आपके लिए अच्छा ही होगा। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अभी एडिक्शंस कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी, यू नो, आपकी एडिक्शन हो टूवर्ड्स योर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये एक रीज़न रहा, हो सकता है कि आपको, आपको या आपके पर्सन को, हो सकता है कि आपको एडिक्शन हो आपके काम की और आपके पर्सन को एडिक्शन हो जाती हो आपकी, तो इन दैट सिचुएशन कहीं ना कहीं जो फियर आ रहा है वो एडिक्शन की वजह से भी हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों कोडिपेंडेंट रहे हो, एक, यू नो, आप अपने उसके ऊपर, काम के ऊपर, और आपके पर्सन उसके ऊपर, आपके ऊपर, या उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है कि आप ज़्यादा पोजेसिव हो जाते हो अपने पर्सन को लेकर, उनके पास उस तरह से टाइम नहीं होता होगा। लेकिन जितना आप ईजी होकर चीज़ों को आगे लेके चलोगे, जितना आप रिलैक्स होकर चलोगे, तो जितना आप फियर को निकाल के चलोगे, तो उतना आपके लिए ये एडिक्शंस के ऊपर काबू कर पाना इजी रहेगा। लेकिन अगर आप अपने फियर्स को कंट्रोल करने दोगे, अपने डिसीजंस का अपना कंट्रोल जो है वो अपने फियर्स को, यू नो, दे दोगे, तो आप कहीं ना कहीं फियरफुल होके आप फिर से नेगेटिव उसमें जो है वो लूप में वापस आ जाओगे। तो कोशिश करो कि अपने फियर्स को हावी नहीं होने दो, और बिलीफ, फेथ और पॉजिटिविटी और लव को जो है वो, यू नो, अपनी अपनी पूरी सिचुएशन को हैंडल करने दो। मतलब आपकी बेस ऑफ कोई भी डिसीजन जो है वो फियर नहीं होना चाहिए। फेथ, लव,
शुड बी द थिंग. देखते हैं और कार्ड्स. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर. मुझे लगता है कि जो भी एक इंसान है जो आपकी लव लाइफ में एंटर हो रहा है, जिसके आने से आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, ये समबडी फ्रॉम द पास्ट है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, और काफ़ी हद तक जैसे मैंने कहा ऑन एंड ऑफ आप लोगों का कनेक्शन रह चुका है. नंबर 24, वाइट लाइट अप, लाइटन अप. वाइट कलर आप लोगों के लिए बहुत लकी रहेगा इस टाइम के अंदर. और दूसरा एक और चीज़ मैं कहूँगी कि जब भी आपको लो वाइब फील हो या जब भी आपके अंदर नेगेटिविटी आपको फील हो, तो कोशिश करो कि वाइट कैंडल आप अपने अपने बेड के पास या जहाँ पे भी आप यू नो उसको ख्याल रख सको, ये ना हो कि आग लगा कर बैठ जाओ. मेक श्योर कि आप मतलब जहाँ पे भी आप बैठे हो, चाहे वो बेड पे हो, यू नो रूम में हो, अपने बेडरूम में हो, सिटिंग में हो, कहीं पे भी जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, और अगर आपको नेगेटिव वाइब आ रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, तो वाइट कैंडल लाइट कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा. आपकी वाइब जो है वो क्लियर हो जाएगी, नेगेटिव वाइब जो है वो क्लियर आउट हो जाएगी. लेकिन मेक श्योर कि आप जब तक वो कैंडल चल रही है, यू हैव टू बी देयर. जब यू नो आपने ब्लो आउट करना, आप ब्लो आउट कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ब्लो आउट नहीं करनी, उसको खुद से ब्लो आउट होने देना है, नहीं, आप इसमें इसको ब्लो आउट कर सकते हो जब भी आप चाहो. जैसे सपोज आप कमरे से बाहर जाने लगे, तो यू कैन ऑलवेज टर्न द कैंडल ऑफ. उसके अलावा सफ़ायर नंबर 38, रीजनरेट योर बॉडी. अच्छा, अब इस टाइम के अंदर अगर आपको फियर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं से आपको यू नो जब भी आएंगे, एक तो आपने कैंडल जो है वो करनी है. सफ़ायर आप स्टोन वेयर कर सकते हैं, इफ़ यू आर इनटू जेम्स एंड स्टफ़, तो सफ़ायर भी यू नो वेयर करने से आपके अंदर एक तो एक अपने अपनी जस्ट यू नो फिज़िकल बॉडी के ऊपर काम नहीं करना, आपने अपने मेंटल बॉडी और अपने यू नो इमोशनल बॉडी को भी कंट्रोल करना है. उसमें नए इमोशंस, नए थॉट्स के ऊपर जो है वो काम ज़्यादा करो, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते रहें. क्योंकि जितना आप पास्ट को डिलीट करते हुए, करंट सिचुएशन को फोकस रखते हुए, पॉजिटिविटी को फोकस रखते हुए आगे बढ़ोगे, उतना आपकी बॉडी ओवरऑल पॉजिटिव रहेगी. सो कोशिश करो कि इसके ऊपर भी काम करो इस टाइम के अंदर. सो या ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.